अस्सलाम वालेकुम एंड गुड इवनिंग, यू आर वॉचिंग प्राइम टाइम विद नीलम नवाब। नाज़रीन, आज वज़ीर आज़म इमरान ख़ान ने पिंड दादन खान में एक बड़े नहरी मंसूबे का इफ्तिताह किया। 33 बिलियन रुपए से शुरू होने वाले इस मंसूबे से ज़िला जेहलम और खुशाब में 117 किलोमीटर कैनाल तामीर की जाएगी, जिससे 1,70,000 एकड़ अराजी ज़ेरे काश्त आएगी और 17 वाटर ड्रिंकिंग पॉइंट जो हैं वो भी कंस्ट्रक्ट किए जाएंगे इस प्रोजेक्ट के अंडर। और अपने खिताब में वज़ीर आज़म साहब आज ये कहते हुए नज़र आए कि इस नहर से जेहलम, पिंड दादन खान और खुशाब समेत कई इलाकों की तकदीर बदल जाएगी। ये खुश खबरी समझे या इसे एक अच्छी खबर समझा जाए, इसलिए हमने कहा कि पहले इसको शेयर कर ले। हम आपको एग्जैक्टली सुनवाएंगे भी कि क्या कहा गया है मजीद वजीर आजम की जानिब से। बट मूविंग ऑन, इसके अलावा जो डेवलपमेंट्स आज हमारे सामने हैं उसमें लाहौर हाईकोर्ट से जमानत पर रिहाई मिलने के बाद आज फॉर्मर वजीर कानून पंजाब और रहनुमा मुस्लिम लीग नवाज राणा सनाउल्ला जो हैं वो रिहा हो चुके हैं। अदालत से उनकी रिहाई का तफसीली फैसला जो है वो सामने आ चुका है, जिसमें लिखा गया है कि रिकॉर्ड से ये बात वाज़े है कि प्रोसिक्यूशन केस में खामियां मौजूद हैं। 15 किलो हेरोइन बरामदगी में से सिर्फ 20 ग्राम जो है वो टेस्ट के लिए भेजना और स्मगलिंग नेटवर्क की तफ्तीश का ना होना इस बात की निशानदेही करते हैं कि दरख्वास्त गुजार पर लगे इल्जाम की मजीद तहकीकात की जरूरत नहीं, मजीद तहकीकात की जरूरत है। अपनी जमानत के बाद हम देखते हैं कि राणा सनाउल्ला साहब जो हैं वो भी एक प्रेसर करते हैं, जिसमें उन्होंने कुछ सवालात उठाए, उनको हम आगे जाकर जो है अंडर डिस्कशन लेकर आएंगे, जो क्वेश्चन उनकी जानिब से रेस किए गए हैं, और अपने पैनलिस्ट की भी राय लेंगे। इसके साथ साथ अगर आगे चलते हुए आज की आगे डेवलपमेंट्स पर बात की जाए होने वाली तो पाकिस्तान की अदालती तारीख का जो सबसे अहम फैसला सुनाने वाले साबिक चीफ जस्टिस आसिफ सईद खोसा साहब हैं, उनके रिटायरमेंट के बाद आज हुकूमत ने आर्मी चीफ की मुद्दत मुलाजमत सर्विस एक्सटेंशन के फैसले को लेकर, एक्सटेंशन के मामले को लेकर उस पर सुप्रीम कोर्ट में रिव्यू पटिशन नज़र सानी दरख्वास्त जो है वो फाइल की गई है। और इस दरख्वास्त में जो मौकफ अपनाया गया है उसमें कहा गया है कि इस फैसले में अहम आईनी और कानूनी निकात का जायजा नहीं लिया गया। इस दरख्वास्त में शामिल मजीद मंदरजात का हम जो है जो एस्पेक्ट्स और इंक्लूड किए गए हैं, पॉइंटर्स, टॉकिंग पॉइंट्स, हम उनको भी अंडर डिस्कशन लेकर आएंगे। और हुकूमत की जानिब से जो ये रिव्यू पटिशन है, अब इसके बाद जो सवालात सामने आ रहे हैं उनको भी हम जेरे बहस लाएंगे। साथ साथ वो अफराद जो कि गैर कानूनी तौर पर हमने देखा कि बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम BISP के मेंबर्स थे और उनसे इस प्रोग्राम से फायदा उठा रहे थे, आज उस पर जो मुआमने खसूसी हैं सानिया निश्तर साहिबा वो एक बड़ा कदम उठाती हैं और वो कहती हैं नादरा की मदद से 8,20,000 और 165 गैर मुस्तहिक अफराद जो हैं उनको शिनाख्त कर लिया गया है और उन्हें बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की फहरिस्त से खारिज एक्सक्लूड कर दिया जाएगा और ऐलान किया है कि बगैर किसी सिफारिश और इन्फ्लुएंस के इनकी जगह जो डिजर्विंग लोग हैं, जो मुस्तहिक अफराद हैं, उनको इस स्कीम में शामिल किया जाएगा। इसके अलावा उन्होंने स्क्रीनिंग का जो नया तरीक़ाकार है वो भी, उस पर भी जो है हाइलाइट्स किया उस पूरे मेथड को, ताकि कोई भी जो गैर मुस्तहिक है वो इस स्कीम से फ़ायदा ना उठा सके। और साथ साथ सानिया नश्तर साहिबा ये इंकशाफ करती हुई भी नज़र आई कि सोने की चूड़ियों के साथ गाड़ियों से उतरकर ये इमदाद वसूल जो है वो की जाती रही है, यानी ऐसे भी डिजर्विंग लोग थे इस प्रोग्राम में जो कि सोने की चूड़ियां पहनकर गाड़ियों से उतरकर आते थे और बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम से अपनी अमाउंट लेते थे। बहरहाल ये हमारा आज का रन डाउन है, हम इन तमाम टॉपिक्स को अंडर डिस्कशन लेकर आएंगे। बट बिफोर वी गेट स्टार्टेड, लेट मी इंट्रोड्यूस यू टू आवर ऑनरेबल पैनल। हमें लाहौर स्टूडियो से ज्वाइन कर रहे हैं जनाब उस्मान बसरा साहब, स्पोक पर्सन पंजाब गवर्नमेंट है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से इनका ताल्लुक है। उनके साथ तशरीफ फरमा है जनाब जनरल रिटायर्ड मंशा साहब, सीनियर एनालिस्ट हैं। हमें ज्वाइन कर रही हैं जनाब रुमीना खुर्शीद आलम साहिबा, मेंबर ऑफ नेशनल असेंबली हैं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज से इनका ताल्लुक है। बीबरपुरी हमारे साथ होंगी और हमारे साथ डॉक्टर शाहिदा रहमानी साहिबा भी हमें ज्वाइन करेंगी कुछ देर में, मेंबर ऑफ नेशनल असेंबली हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से इनका ताल्लुक है। अस्सलाम वालेकुम एंड थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस। जैसे कि हमने अपने इब्तिदा में कहा कि पहले हम कुछ अच्छी खबर जो है वो शेयर कर लें, फिर उसके बाद हम डिटेल डिस्कशन में जाएंगे जो आगे आज पूरा दिन डेवलपमेंट सामने आती हैं। लेट्स लिसन टू द प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब के, उन्होंने आज पिंड दादन खान में जो एक बड़े नहरी मंसूबे का इफ्तिताह किया है उस हवाले से, व्हाट डिड ही से टुडे, लेट्स लिसन टू दैट फर्स्ट। मैं आप सबको मुबारक देता हूं कि ये जो नहर बन रही है
ये जेलम, पिंडादम खान, खुशाब, ये सारे इलाकों, इन सब इलाकों की इंशाल्लाह तकदीर बदल जाएगी और इंशाल्लाह ये जलालपुर नहर ये सारे इलाके को बदलेगी। और मुझे आज खुशी भी है क्योंकि मैं आपके इलाके को जानता हूं, मुझे पता है कि पीने का पानी का एक बहुत बड़ा मसला है, यहां मीठा पानी नहीं है, तो ये नहर मीठा पानी भी देगी और तकरीबन 2.25 लाख एकड़ जमीन उसको जरखेज करेगी। अल्लाह का शुक्र है आज हमारा जो रुपया गिर रहा था वो रुक गया, बल्कि ऊपर जा रहा है, मजबूत हो रहा है। अल्लाह का शुक्र है कि आज जो हम दुनिया को चीजें बेच रहे हैं वो बढ़ रही हैं, एक्सपोर्ट्स बढ़ रही हैं। अल्लाह का शुक्र है कि जो डॉलर आ रहे थे पाकिस्तान रिमिटेंसेस वो भी बढ़ रही हैं। और सबसे बड़ी बात कि पाकिस्तान में बाहर से सरमायाकारी बढ़ रही है, इन्वेस्टमेंट आ रही है। इंशाल्लाह ये जो ये साल था 2019 का, जैसा कि आपने अभी वजीर आजम साहब की गुफ्तगू सुनी और ये जो आज प्रोजेक्ट जिस प्रोजेक्ट का इफ्तिताह किया गया है, हम फिर से हाईलाइट कर दें कि इस प्रोजेक्ट इस नहरी प्रोजेक्ट के तहत 117 किलोमीटर तवील 23 मेन कनाल्स की तामीर जो है 1940 से जायद एकड़ पर ड्रिप इरिगेशन सिस्टम इसमें तामीर होगा और फिर 20 वाटर स्टोरेज पॉइंट जो है वो तामीर किए जाएंगे और 17 वाटर ड्रिंकिंग पॉइंट जो हैं वो भी तामीर किए जाएंगे इस प्रोजेक्ट के तहत। और इस मंसूबे से 1,70,000 एकड़ से ज्यादा अराजी जो है उसको कल्टीवेट किया जा सकेगा। अगर आप लोग हमें इजाजत दें तो हम यहाँ पर शुरुआत करेंगे अपनी डिस्कशन की उस्मान बसरा साहब तहरीक इंसाफ हुकूमत से ही कर लेते हैं, फिर हम अपोजिशन की जानब भी जाएंगे। ये आज का जो इफ्तिताही तकरीब है हमारे सामने इस नहरी मंसूबे पर, इसको आप किस तरह से देखेंगे? क्या ये हमें मुकम्मल होता हुआ नजर आएगा बाकी मंसूबों की तरह? ये किसी किस्म के डिले का शिकार तो होता हुआ नजर नहीं आएगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया नीलम आपके इनवाइट करने के लिए। देखिए एक आज चीज़ आपके सामने जो असल में जैसे आप अपने इंट्रो में भी बात कर रही थी, वो तो आज अपनी कौम को बताने की जो चीज़ है वो ये है कि जो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान हैं उनका विजन देखिए कितना ज़बरदस्त है। वो एक जो इंसान एक जहाँ पे पाकिस्तान के अंदर ऑर्थोडॉक्स पॉलिटिकल एक लीडरशिप रही है, जो लकीर की फकीर थी वही जो मंसूबे ले आई आपकी ब्यूरोक्रेसी वही पास कर दिए, वही जो पॉलिटिकल ऑस्टेंटिएशन के मंसूबे थे वो बड़े बड़े स्ट्रक्चर खड़े कर दिए, जितना बड़ा काम मंसूबा होगा उतना बड़ा जो फ्लैट है वो पीछे लंदन में खरीदा जा सकता था जिससे। लेकिन ये जिस तरह का मंसूबा आज इसको इनिशिएट किया और दोबारा उसको लेके आए, वो जो एक सर्द खाने की नज़र हो गया था और दहाइयों से सर्द खाने की नज़र था, जिससे असल में पाकिस्तान के अंदर ग्रास रूट लेवल के ऊपर जो गरीब आदमी असल में जो किसान की बात करते हैं, जिसको बेचारे को कभी होप ही नहीं रही थी कि मेरी ज़मीन तक भी पानी आ सकता है, जिसके ज़मीन का पानी खारा था लेकिन उसकी बेचारे की सारी जो एक फसल थी और ज़मीन थी वो काश्त के काबिल ही नहीं रही थी। तो देखिए इस तरह का इनिशिएटिव लेके प्राइम मिनिस्टर ने बारहा अपनी कौम को बताया है कि अब जो पाकिस्तान के अंदर पॉलिटिकल लीडरशिप है वो एक विजनरी आदमी के पास है, एक ऐसा आदमी जो दीवार के पीछे देखने की सलाहियत रखता है। देखिए आज जो ये फैसला किया गया है इससे कमोबेश 60 लाख के करीब जो नफूस हैं उनको फायदा पहुंचेगा, इससे 4.5 लाख एकड़ के करीब अराजी है जो आपकी नहरी पानी से जो है वो सिरयाब होगी। ये सारी चीजें इस चीज को आप अंडरस्टैंड कर लें कि इंशाल्लाह ताला एक ये, ये उस्मान बसरा साहब ये तमाम बातें बड़ी अच्छी लग रही हैं सुनने में भी और देखने में भी, लेकिन अब बड़ा कॉशियस हो गया हर कोई जो है, आवाम हो या जो भी आपका प्रोजेक्ट आता है लॉन्च होता है तो हर कोई बड़ा कॉशियसली उसको ऑब्जर्व करता है। मैं यहाँ पर ऑपोजिशन का व्यू भी लूंगी, डॉक्टर शाहिदा रहमानी साहिबा आपकी जानिब आएंगे। अब ये जो आज का नहरी प्रोजेक्ट है इससे कहा जा रहा है कि जेहलुम हो गया, पिंड दादन खान हो गया, खुशाब के इलाके हो गए, उन इलाकों की तकदीर ही बदल जाएगी और ये भी कहा गया है कि ये मंसूबा वो मंसूबा है जो 120 साल पहले शुरू होना चाहिए था बट फाइनली मिलेनियम में तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने जो इसका आगाज कर दिया। ये कितना प्रॉमिसिंग या कन्विंसिंग जो है हमारे सामने इस वक्त ये मंसूबा जो है नजर आ रहा है? बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, बहुत शुक्रिया। देखिए सबसे पहली बात तो ये कि
کوئی بھی منصوبہ ہو میں سمجھتی ہوں اس کو پائے تکمیل تک پہنچنا یہ عوام کی فلاح بہبود کے لیے ہونا چاہیے. ایسا نہ ہو کہ گزشتہ 5 سالوں میں اور جس طرح جب یہ اپوزیشن میں تھے جب بھی یہ بلند بانگ دعوے کرتے رہے اور ہر دعوے پہ یہ یو ٹرن لیتے رہے اور اس کو میں تو سمجھتی ہوں کہ دروغ گوئی سے کام لیا گیا جس کو انہوں نے یو ٹرن سے تشبیہ دی. اب گزشتہ 1.5 سال سے کا عرصہ ہو گیا یہ اقتدار میں موجود ہیں, ہر پروجیکٹ کی اسی طرح تشہیر اور ان کی جو تشہیر پہ پیسہ خرچ ہوتا ہے اتنا ہوتا ہے ویسا ہوتا ہے, لیکن آج بھی آج اس سے بھی زیادہ تشہیر پہ خرچ ہو رہا ہے لیکن وہ اس کا فائدہ عوام کو نہیں مل رہا. بات یہ آج آپ آئیں اور دیکھیں کہ عوام کتنی پچھلی جو کہا جا رہا تھا آپ کی آواز بیچ میں سے ڈسکنیکٹ ہو رہی ہے شاہدہ رحمانی صاحبہ. ہم بھی کوشش رہیں گے جیسا کہ اپوزیشن بھی کنسرن شو کر رہی ہے کوششلی ہم بھی واچ کریں گے اس پروجیکٹ کو بھی. جنرل ریٹائرڈ منشا صاحب ہم آپ کی جانب آتے ہیں, اس پروجیکٹ کو کوئکلی اگر آپ اپنا ریویو دے دیں کہ یہ کتنا پرومسنگ ہے اور جو ہمارے سامنے نمبرز اور فگرز رکھے جا رہے ہیں اگر یہ ایسا اس پر عمل درآمد ہو جاتا ہے تو آبویسلی ہمارے اکانومی کی ایک بہت بڑا پورشن ایگریکلچر پر ڈیپینڈنٹ ہے تو اس کے بعد تو بڑا ریولوشنائز ہو جانا چاہیے ہماری اکانومی کو بھی. پھر میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بہت خوش آئند بات ہے. اس گورنمنٹ کے اوپر یہ کرٹیسائز کیا جا رہا تھا کہ 1.5 سال سے انہوں نے کوئی میگا پروجیکٹ جو ہے وہ لانچ نہیں کیا, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے اپنے مینیفیسٹو کے مطابق اور پرائم منسٹر کے وعدوں کے مطابق جو پہلا ہی ایک میگا پروجیکٹ لانچ کیا ہے وہ ایک پبلک فرینڈلی اور ہماری اکانمی کے لیے ایک بینیفیشل پروجیکٹ ہے. یہ درست کہا یہ گورنمنٹ کے جو نمائندے ہیں یہاں پر کہ پچھلی گورنمنٹیں اکثر ایسا پروجیکٹ کیا کرتی تھیں کہ جس کو شو کیس کیا جا سکے اور جس میں سے میکسیمم کک بیک لی جا سکے. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک بہت خوش آئند بات ہے جس میں دیکھا گیا ہے کہ یہ ایک پروڈکٹیو بھی ہوگا, اس پہ اگر ہمارے اخراجات اٹھیں گے تو اس سے عوام کو بہت زیادہ فائدہ آنے والا ہے, اکانومی میں بہت بڑا بوسٹ ملے گا. تو یہ تو ہمیں اس کے اوپر بالکل کاشیس نہیں ہونا چاہیے, ضرور اس کو مانیٹر کرنا چاہیے, واچ کرنا چاہیے, اس کو گورنمنٹ کو جو فیڈ بیک دینی چاہیے اور جہاں پر ڈیو کرٹیسزم ہو وہ بھی کرنا چاہیے. Obviously, exactly. لیکن موونگ آن یہاں پر ہم رومینا خورشید عالم صاحبہ آپ کی جانب بڑھیں گے اور آج کا جو بڑا ہمارے سامنے فیصلہ آتا ہے وہ ڈیٹیل ججمنٹ آتی ہے رانا ثناء اللہ صاحب کے ضمانت کے حوالے سے. اب رانا ثناء اللہ صاحب نے ضمانت پر رہائی ملنے کے بعد پریسر کرتے ہیں اور اس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ ویڈیو پیش کیوں نہیں کی گئی, میرے ساتھ تفتیشی آفیسر کی گفتگو کی ویڈیو کیوں نہیں پیش کی گئی. انہوں نے کافی سوالات اٹھائے ہیں, لیٹس لسن ٹو ہم فرسٹ. ایگزیکٹلی انہی کے الفاظ سن لیتے ہیں کہ انہوں نے آج کیا کہا ہے پریسر میں اینڈ دین وی ول برنگ بیک ٹو دی ڈیبیٹ ہیئر. میں نے یہ بات اس لیے کی ہے کہ یہاں پہ رواج ہے کہ جھوٹ بولتے ہیں اور بڑے جو ہے ماں کو جان دینی ہے, ہم نے اللہ کو جان دینی ہے. وہ بھائی اللہ کو جان تو سب نے دینی ہے, لیکن بات یہ ہے میں یہ پورے دعوے سے کہتا ہوں, خدا کی قسم ان کو معلوم ہے, ان کو معلوم ہے کہ ہم نے یہ جھوٹا کیس ڈالا ہے, لیکن اس کے باوجود جو ہے وہ عوام کو بیوقوف بنانے کی جو ہے وہ کوشش کر رہے ہیں. ہم انشاءاللہ تعالی اللہ تعالی نے ہمیں آج بھی سرخرو کیا ہے اور آئندہ بھی اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہمیں سرخرو کرے گا. ہم ان ہتھ کنڈوں سے رکیں گے نہیں. ایک جھوٹے بے بنیاد مقدمے میں جس کا کوئی سر پیر نہیں ہے اس میں اگر 6 ماہ تک آپ کو جیل میں اور جن حالات میں مجھے رکھا گیا ہے میں اس کی تفصیل بیان نہیں کرنا چاہتا. میں ان حالات کا ذکر اس لیے نہیں کرنا چاہتا کہ یہ پھر کمزوری اظہار ہوتی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ جس عقوبت خانے میں اور جن حالات میں مجھے رکھا گیا 6 ماہ بعد اگر زمانہ جی یہ آپ کے سامنے یہ سوالات جو ہیں آگئے ہیں. رومینا خورشید عالم صاحبہ کیا فرمائیے گا جو رانا صاحب کہہ رہے ہیں کہ اتنا بڑا نیٹ ورک تھا تو دیگر لوگ کیوں نہیں پکڑے گئے اور وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ انہیں معلوم ہے کہ کیس جھوٹا تھا جو کہ ان پر ڈالا گیا ہے اور یہ صرف میری ریپوٹیشن میری ساکھ خراب کرنے کے لیے ڈرامہ رچایا گیا ہے. کیا فرمائیے گا؟
सबसे पहले बहुत शुक्रिया नीलम अपने प्रोग्राम में दावत देने का। सबसे पहले राणा साहब बेशक उनकी बात जो है उस पर मैं जरूर आऊंगी, लेकिन ये जो पेंट दादन खान का प्रोजेक्ट जो लाया गया है उसके ऊपर मैं जरा एक थोड़ी सी रोशनी डाल दी जाऊं। और क्योंकि तारीख में हर चीज रकम होती है, तो ये प्रोजेक्ट जो सा है ये अप्रूव हुआ था ECNEC से, हमारी पिछली दौरे हुकूमत में हुआ था फरवरी 2018 में। और ये शायद सकान अबासी साहब सब उस टाइम चार मिनिस्टर थे, CDWP जो है उन्होंने भी रिकमेंड किया था। तो इसलिए हमें चूंकि आदत पड़ गई है शायद इस करंट हुकूमत को हर चीज का जो है वो तख्ती पे तख्ती लगाने की, विजन तो इनका बाकी बहुत बड़ा है लेकिन अफसोस की बात है कि वो विजन जो है इसमें कोई बुरी बात नहीं कि अगर आप किसी और की मतलब गुज़श्ता हुकूमत ने अगर कोई प्रोजेक्ट किया आप उसको आगे बढ़ाते हैं, लेकिन इस किस्म का बताना कि भी हम जो है वो हमने बहुत बड़े बड़े काम कर दिए हैं, डेढ़ साल में ना आपसे पहले कुछ हुआ था ना अब होना है, बाकी रहेगी बात। और लेकिन अगर ये मुकम्मल कर जाते हैं इस बात को तो मैं समझती हूँ कि ना होगा, अल्लाह करे कि ये ऐसा कर जाए। जहां तक बात है राणा सनाउल्ला साहब की, देखिये उनकी बात बड़ी क्लियर है और हम सब देखा किस किस तरह से जो है उनको स्विच किया गया, लेकिन वो शख्स सीता बिल भाई दीवार की तरह खड़े रहे और वो अपने इरादे पे मजबूत रहे हैं। और आज जब तमाम चीजें जो है वो साबित नजर आ रही हैं, तो आप बताएं कि गवर्नमेंट जो सी है जो इतने बड़े बड़े नारे मारती थी पार्लियामेंट के अंदर खड़े होके अल्लाह के नामों के नीचे उस ऑगस्टस हाउस में खड़े होके झूठ बोलते थे, अब सवाल तो उनकी तरफ उठता है नीलम की वो इस बात का जवाब वो दें, क्यों नहीं दे रहे जवाब, क्यों नहीं बताते कहाँ गई फिरदौस आशिक कवान साहिबा और मौसूफ जो वजीर जो है जिन्होंने कहा कि अल्लाह को जान देनी है, बेशक हम सब ने देनी है, मैं तो आई डोंट वांट टू बी जजमेंटल ऑन हिम, लेकिन मेरे ख्याल में अब ये बहुत बड़ा सवाल है अवाम के सामने भी है, हुकूमत की तरफ उंगलियां उठेंगी और उनकी कारकर्दगी के ऊपर भी, क्योंकि इसका मतलब है कि अगर आपको किसी से इंतकाम लेना है तो आप कोई भी इल्जाम जो है किसी से लगा सकते हैं। यहाँ पर हम हुकूमत का रिस्पॉन्स भी लेते हैं इस इशू पर। ऑलराइट, यहाँ पर उस्मान बसरा साहब आपने रिजर्वेशन सुनी है जो PMLN की रिप्रेजेंटेटिव हैं, और राणा सनाउल्ला साहब के हवाले से आज जो डिटेल जजमेंट है लाहौर हाईकोर्ट की जमानत पर, तो उसमें वो जब वो प्रेसर करते हैं काफी सवालात उन्होंने अपनी प्रेसर में भी उठाए हैं, और उसमें उन्होंने उनका जो एक मुतालबा सामने आ रहा है वो कह रहे हैं कि वो चीफ जस्टिस से मुतालबा करेंगे कि वो इस मामले की जुडिशल इंक्वायरी करवाएं। तो अब सवाल ये उठाया जा रहा है कि अगर राणा सनाउल्ला को गलत इल्जाम पर गिरफ्तार किया गया है तो इसका जिम्मेदार कौन होगा, और वो जो ड्रग्स जिसकी की अमाउंट बताई जा रही है अगर वो मनशियात आई है सामने तो फिर वो किसकी है अगर प्रूफ नहीं कर पाए राणा सनाउल्ला पर। अब नीलम देखिए मैं आपसे दो चार मिनट चाहूंगा अन इंटरप्टेड किस्म के, क्योंकि मैं हूं टू अगेंस्ट वन, दो अपोजिशन की पार्टियां और दोनों अल्हम्दुलिल्लाह चोरी में मुलव्वस हैं, डाके में, और कोई हेरवन में अंदर है तो कोई अपना पाकिस्तान का पब्लिक एक्सचेंज का पैसा लूटने में डाका मार के अंदर है। तो इनके सवाल का जवाब देना, ये पाकिस्तान की कौम को डिसरे करने के लिए टेलीविजन को इस्तेमाल करते हैं, तो ये मुझे आप एक दो मिनट दीजिएगा। सबसे पहले शहजा रहमानी है वो चली गई हैं, वो कह रही हैं जी बड़ी तशहीर पे पैसे लगे हैं। अब देखिए नेशनल टेलीविजन है, ये आपका बड़ा मोतबर प्रोग्राम है, अब वो पता नहीं चली गई कि मुझे सुन रही है, भाई बताएं कहाँ तशहीर पे पैसे लगे हैं, किसकी तशहीर पे पैसे लगे हैं भाई। एक्चुअली हम हमारी हुकूमत ने तो उनकी कॉल जो है वो उनकी आवाज ठीक नहीं आ रही, चले चले उन्होंने तो अपनी नीलम एक नैरेटिव था वो बयान करके हैं भी तो ठीक है, चली भी गई है तो उन्होंने गलत बयान नहीं किया ना। आप मैं चैलेंज करता हूं, आप मुझे बताइए जब से हमारी हुकूमत आई हमने अपनी तशहीर पे तो एक पाई खर्च नहीं की भाई, हम तो बड़े बड़े इश्तहारों की ना देने की वजह से तो टेलीविजन और मीडिया के सामने जवाब दे हुए खड़े हुए हैं कि हम तो इश्तहार नहीं दे रहे, नंबर वन। अब जरा दूसरी बात बड़ी इंटरेस्टिंग है, वो है जो रोमीना कह रही है जी झूठ बहुत बोलते हैं, कहती हैं जी अगर जरा इनको पूछिए कि जो कतरी खत झूठों का जो किंग है कतरी खत, जिसके सामने झूठ भी शर्मिंदा हो जाए, झूठ भी जिसके सामने हाथ बांध के खड़ा हो जाए कि पाकिस्तान की सबसे बड़ी अदालत के अंदर ये झूठ बोलने के ये PhD हैं कि इन्होंने कतरी खत पेश किया, जाली इंटरेस्ट डीड पेश करने वाले, और अल्लाह के 99 नाम जो पार्लियामेंट के ऊपर छत पर कंधा है उनके नीचे खड़े होकर नवाज शरीफ ने कहा कि हुजूर ये हैं वो जराए जिनके वजह से मुझे पैसे आए, और हुजूर जो ही सुप्रीम कोर्ट में गए कहते नहीं नहीं मैंने तो इसको वैसे ही बात की थी, पॉलिटिकल बात थी। पाकिस्तान की सियासत में अगर झूठ बोलने का कोई वर्ल्ड कप करवाया जाए ना तो नवाज शरीफ बिला मुकाबला बिला शिरकत गैरे उसके चैंपियन है, और हमें बता रहे हैं कि जी ये हुकूमत ने गलत बयान की। हमने नहीं कहा, ANF एक आजाद इदारा है,
उसकी एक आजाद हैसियत है। आज पाकिस्तान के अंदर इमरान खान की हुकूमत है, वो इमरान खान जो रूल ऑफ लॉ पे बिलीव करता है, वो इमरान खान जो रात को जजेस को फोन नहीं करता कि फलाने को फलां सजा दे दो, वो इमरान खान जो सुप्रीम कोर्ट पे हमले का मुजिद नहीं है, वो इमरान खान जिसके लोग मेरे जैसे जजेस को धमकियां नहीं देते कि तुम्हारे बच्चों को उठा लेंगे अगर ये फैसला ना आया। हम रूल ऑफ लॉ पे बिलीव करते हैं। ANF एक आजाद इदारा है और ये पाकिस्तान के टेलीविजन से थोड़ी सी हमारी शिकायत है कि आप देखिए पहले आपने कहा कि ANF की जानिब से जो है ये केस फाइल किया गया, तो यहाँ पर ये तो और ज्यादा अलार्मिंग बात हो जाती है कि ऑब्वियसली ANF जो है, हमने देखा DG ANF आकर प्रेसर में बैठते हैं, आपके स्टेट मिनिस्टर फॉर नारकोटिक्स कंट्रोल के साथ जब ये अरेस्ट हुआ था, और तो इसमें तो एक सर्विंग जनरल, अब ANF जो है वो ऑब्वियसली एक 2-3 stars जनरल जो है वो रन कर रहे हैं, आर्मी इन्वॉल्व है, और उस इदारे की प्रोसिक्यूशन का कमजोर होना, क्योंकि ऑब्वियसली कुछ कमजोरी है तो जमानत होती है। यहां पर अगर मैं आपके सामने जो वर्डिक्ट में, जो जजमेंट में, डिटेल जजमेंट में कहा गया है, जी मैं आपको मौका बिल्कुल दूंगी, लेकिन ये वो सवालात हैं जो कि हर जहन में आ रहे हैं। लाहौर हाईकोर्ट की जो ये जमानत पर जो उन्होंने डिटेल जजमेंट दी है, उसमें कहा गया है, फैसले के मुताबिक कहा गया है कि प्रोसिक्यूशन केस में खामियां हैं, और उन्होंने ये भी कहा है कि जो मुद्दई है उनके मनशियात स्मगलिंग नेटवर्क की तफ्तीश नहीं की गई, जबकि हमने देखा कि हमें शहरयार आफरीदी साहब बताते हुए नजर आए थे कि न सिर्फ ये डोमेस्टिक इनका रैकेट है, ये इंटरनेशनल लेवल पर इनका पूरा एक नेटवर्क है। यहां पर कहा जा रहा है फैसले में कि उसकी तो किसी किस्म की कोई तहकीकात करी ही नहीं गई है, तो अब ये फिर क्या समझा जाए कि इदारों की कमजोरी है, चाहे NAB हो चाहे ANF हो, फिर प्रोसिक्यूशन पे आकर ये इदारे फेल क्यों हो रहे हैं? नीलम, अब मैं चाहूंगा कि इसका जरा मैं आपको मुदल्लल जवाब देना चाहता हूं। वैसे तो ये ANF को खुद सामने आना चाहिए, इसके ऊपर बात करनी चाहिए, लेकिन क्योंकि हमारी गवर्नमेंट को मिलान किया जा रहा है, अब इसको आप अंडरस्टैंड कर लीजिए। केस की दो स्टेजेस हुआ करती हैं। नंबर वन स्टेज है जमानत की, जो ग्राउंड और जो रैशनल जमानत के ऊपर मुलजमान लेते हैं उसका मेन केस से कोई ताल्लुक नहीं है। अब जो अदालत की तरफ से कहा गया है ना जी कि प्रोसिक्यूशन ने उस तरह के सबूत सामने लेके नहीं आए, देखिए इसमें अंडरस्टैंड कीजिए कि ये हमेशा जब बेल की एप्लीकेशन के ऊपर कोई फैसला होता है तो उसके अंदर ये तमाम ऑब्जर्वेशन आती हैं। अब प्रोसिक्यूशन ने क्यों इस स्टेज के ऊपर जो है सबूत पेश नहीं किए, ये मिलियन डॉलर क्वेश्चन है और सारा टेलीविजन इसको कुरेद रहा है। इसका जवाब मैं आपके शो में दे देता हूं। देखिए मुस्लिम लीग नून एक ऐसी जमात है जिनका एक रिकॉर्ड है एविडेंस टेम्पर करने का, जो शहादतें हैं उनको डिस्टॉर्ट करने का, अदालतों में झूठ बोलने का, ये माफिया है, माफिया। दिस इज नॉट अ पॉलिटिकल पार्टी, दिस इज अ माफिया। और मैं नीलम आपको चैलेंज करता हूं, अगर किसी में इतनी मॉरल ऑडेसिटी है मुस्लिम लीग नून में, आप नीलम कैमरा उठाइए, एक माइक लीजिए, फैसलाबाद की गलियों में जाके पूछिए राणा सनावला का कारोबार क्या है। अगर फैसलाबाद की लोग अवाम इस केस के ऊपर गवाही सब न करें तो भी हमारा गिरेबान पकड़ लीजिए, लेकिन जो लीगल बात है वो ये है कि इस मौके के ऊपर ANF इसलिए अपने शवाद सामने लेके नहीं आई क्योंकि ये गैंगस्टर लोग हैं, ये माफिया हैं, ये चाहते हैं कि हमें पता चले कि हमारे पास ANF के पास कौन से सबूत हैं, उसको डिस्टॉर्ट कर सकें, डरा सकें, धमका सकें, टेंपर कर सकें। ये तमाम सबूत है तो जितने एविडेंसेस आपने चालान में शो किए हैं वही रहेंगे, आगे जाकर ट्रायल में मजीद एविडेंसेस ऐड करने की गुंजाइश नहीं होती। नीलम है इसमें, लीगल एक्सपर्ट से बात हुई है। नीलम, आई एम अ लॉ एक्सपर्ट, मैं एडवोकेट, आई एम हैविंग माय ओन लॉ फर्म। मैं आपको बताऊं इसके अंदर जो है, जब हम आगे चलेंगे, जो शवाहिद हमारे पास हैं वो शवाहिद जो हैं वो सप्लीमेंट्री एविडेंस के अंदर पेश किए जाएंगे और आप देखेंगे कि ANF, देखिए आप जरा एक छोटी सी बात कर लें, एक तरफ एक आर्मी का जनरल खड़ा हुआ है जो ANF को हेड करता है, एक तरफ राणा सनावला खड़ा हुआ है, सिर्फ इसको ही सामने रख लें कि कौन सच बोल रहा होगा, कौन सच बोल सकता है और कौन झूठा है और झूठ बोल सकता है, वो राणा सनावला है भाई। आप क्यों अपने इदारों का मिलान कर रही हैं, लोग टेलीविजन कर रहा है, let court decide अगर वो बरी हो जाएंगे। किसी को मलाइन नहीं कर रही मैं, डिस्कशन कर रहे हैं और मैं आपके सामने वो पॉइंटर्स रख रही हूँ जो आज के फैसले में कहा गया है। सो लेट्स नीलम इसमें एक चीज अंडरस्टैंड कर लीजिए, नीलम अगर मैं एक अपना पॉइंट दे दूं फिर जनरल साहब की तरफ, मैं उनका टाइम जरा बाय कर रहा हूँ।
دیکھیے ہمیں پاکستان کے اندر بڑی ایک خطرناک سچویشن کا سامنا ہے، پاکستان کی معاشیات کو ان چوروں ڈاکوؤں نے تباہ کر دیا ہے، اب اخلاقیات ہماری بچی تھی یہ اس کے اوپر بھی حملہ آور ہیں، چوروں کی یہ آ کے یہاں پہ وکالت کرتے ہیں ٹیلی ویژن کے اوپر، ڈاکوؤں کی یہ کرتے ہیں، منشیات فروشوں کی یہ کرتے ہیں، مطلب یہ کہیں ہمیں اس معاشرے کہاں لے کے جانا چاہتے ہیں؟ جنرل ریٹائرڈ منشا صاحب، اب یہ جو ڈیٹیل ججمنٹ ہے اس میں جو ایک اور ایسپیکٹ سامنے لایا گیا ہے اس میں یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ جو درامد شدہ 15 کلو ہیروئن تھی اس میں سے صرف 20 گرام جو ہے وہ ٹیسٹ کے لیے بھیجی جاتی ہے، تو اس فیصلے پر کیا سمجھا جائے؟ حکومت کی جانب سے دعویٰ کیا گیا تھا کہ اس کے پیچھے ایک بڑا نیٹ ورک ہے، لیکن گرفتاری میں ہمیں کوئی کسی قسم کے مزید لوگ جو ہیں وہ نظر نہیں آتے ہیں، کسی قسم کی مزید تفتیش بھی سامنے نہیں ہے، تو پھر اس تفصیلی فیصلے کے بعد کیا سمجھا جائے کہ یہ کیس آگے جا کر کسی قسم کی کوئی سٹرنتھ پکڑ سکے گا؟ مزید ایویڈنس اس میں کیا ایڈ آن ہو سکیں گے؟ جی ہاں، مجھے ایک منٹ بولنے کا موقع دیجیے گا۔ دیکھیں، سب سے پہلے تو میں اس پہ کمنٹ نہیں کروں گا کہ جو آنریبل کورٹ نے ان کی بیل ایکسیپٹ کی ہے، اس میں نیچرلی اس میں کچھ ٹیکنیکل جو اس میں ڈسکنیکٹس ہوں گے جس کی بیسس پہ، اور کرمنل لا میں ہمارے ساتھ لا ایکسپرٹ بیٹھے ہیں، ہمیشہ جو بینیفٹ آف ڈاؤٹ ہے وہ اکیوزڈ کو جاتا ہے، لیکن جب فائنلی کیس ڈیسائیڈ ہوتا ہے تو میں اے این ایف کے بارے میں دو تین الفاظ ضرور کہوں گا کہ یہ ایک ایسی آرگنائزیشن ہے جس کی کریڈیبلٹی صرف ہمارے نیشنل لیول پہ نہیں انٹرنیشنل لیول پہ ہے، اور اے این ایف کی جو پروگریس ہوتی ہے یا جو اس کی ایکشنز ہوتے ہیں وہ انٹرنیشنلی مانیٹر ہوتے ہیں، ان دی پاسٹ اس کو انٹرنیشنل ایجنسیز جو ہیں وہ ڈونر ایجنسی اس کو فنڈنگ کرتی رہی ہیں، تو یہ اٹ از آلموسٹ نیکسٹ ٹو امپاسبل کہ اے این ایف کسی کے کہنے پر میں یہ واؤچ کر سکتا ہوں کہ آرمی چیف بھی فیک کیس نہیں بنوا سکتا۔ یہ میری بات سن لیں آپ، کائنڈلی میری بات سنیں کہ یہ میں یہ دعوے سے کہہ سکتا ہوں کہ ایک سٹنگ میجر جنرل سے آرمی چیف بھی جو ہے وہ الیگل آرڈر نہ دیتا ہے اور نہ اس پہ عمل کروا سکتا ہے، اور کوئی بھی میجر جنرل جو ہے وہ یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ اس کو کوئی بھی دنیا کی طاقت آ کے اس سے الیگل جو ہے ایک فیک کیس بنوا سکے، تو اس پہ مجھے 100% یقین ہے کہ اس کیس میں میرٹ ہوگا اور صرف میرٹ ہوگا، کچھ موقع دیں اور دیکھیں ان کو اپنی پراسیکیوشن کیس کو چلنے دیں، پراسیکیوشن کو اپنا پروف دینے دیں، کہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ میں اس سے بہت اچھی طرح سسٹم سے واقف ہوں، اس طرح سے ہوتا نہیں ہے جو بات چیت ہو رہی ہے۔ ایک اور بات جو سامنے آ رہی ہے اس تفصیلی فیصلے میں، اس میں یہ بھی لکھا گیا ہے کہ ہمارے ملک میں سیاسی انتقام کا نشانہ بنانا ایک حقیقت ہے اور اس پہلو کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ جی بالکل، میں یہی گزارش کروں گا، اگر یہی پہلو ہے تو اور بہت سارے ادارے ہیں ہونا، پھر یہ تو پھر سیاسی، یہ کیا اس فیصلے میں یہ کہا جا سکتا ہے کہ کسی قسم سے اس فیصلے میں کوئی سیاسی پہلو جو ہے وہ بھی شاید نظر آ رہا ہے؟ جی میں یہی گزارش کروں گا کہ اگر گورنمنٹس جو ہیں پاسٹ میں ایسا ہوتا رہے، کچھ اداروں کو جو ہے اپنے پولیٹیکل اپوننٹس کے اگینسٹ یوز کیا گیا ہے، اس کو بات کو میں مانتا ہوں، تسلیم کرتا ہوں، لیکن اس کے لیے دوسرے ادارے ہیں، ایف آئی اے آپ کے پاس، اینٹی کرپشن ہے آپ کے پاس، پولیس ہے، آرمی کے محکمے نہ کبھی پاسٹ میں استعمال ہوئے ہیں اور نہ آئندہ ہوں گے، اور اس لیے آپ تھوڑا سا وقت دیں اور دیکھیں، یہ ضرور یہ پروو ہوگا۔ میں کبھی بھی یہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہوں کہ اے این ایف، جو میں یہ گزارش کر رہا ہوں کہ اے این ایف کو انٹرنیشنلی مانیٹر کیا جاتا ہے، اگر ایک ایسا وہ فیک انسیڈنٹ کر دیں گے تو وہ ایکسپوز ہو جائیں گے پوری دنیا کے سامنے، وہاں پر این جی اوز میں جا کر ان کو پریزنٹیشن دینی پڑتی ہیں، اپنے کیس پروف کرنے پڑتے ہیں، جبکہ ہمیں شہریار آفریدی صاحب جو ہیں وہ بار بار کہتے ہوئے نظر آئے، فوٹیجز کا ذکر کرتے ہوئے نظر آئے، تو یہ پھر اے این ایف اور حکومت جو ہے یہ ایک پیج پر نہیں ہے، ایک پلیٹ فارم پر نہیں ہے؟ دیکھیں، ایک پلیٹ فارم پہ ہوں یا نہ ہوں، میں اس کی بات کر رہا ہوں کہ جو اے این ایف کا کنٹینشن ہوگا وہ میرٹ بیسڈ ہوگا، وہ ضروری نہیں ہے کہ وہ گورنمنٹ کے ڈکٹیشن کے مطابق ہو، ہاں اگر ایک ریالٹی اب وہ فیکٹس ہے اور دونوں کی کنورجنس ہے تو اس میں کوئی حرج بھی نہیں ہے، دونوں کا ایک بیان ہو سکتا ہے، لیکن میں یہ دعوے سے کہہ سکتا ہوں کہ اے این ایف گورنمنٹ کی ڈکٹیشن پہ کبھی کسی کے خلاف فیک کیس نہیں بنا سکتی، نہ ماضی میں کوئی ایسی مثال ہے، اور میں یقین رکھتا ہوں کہ اب بھی ایسا نہیں ہوگا۔
لیکن مجھے واضح جواب نہیں مل سکا. یہاں پر اس تفصیلی فیصلے میں یہ بھی لکھا گیا ہے کہ ہمارے ملک میں سیاسی انتقام کا نشانہ بنانا بھی ایک حقیقت ہے اور اس پہلو کو بھی نظر انداز نہیں کیا جا سکتا. آپ کے خیال میں اس بات کا اس تفصیلی فیصلے میں موجود ہونا کیا پھر اس فیصلے میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ کسی قسم کی سیاست جو ہے یا سیاسی پہلو جو ہے وہ بھی پھر نظر آ رہا ہے؟ سب سے پہلے تو نیلم میں چھوٹا سا ایک پروٹیسٹ ضرور کروں گی کیونکہ میری آواز بند تھی اور میں بسرا صاحب جو ہے مسلسل جو ہے بڑے دعوے کے ساتھ جو ہے وہ الزام تراشیاں کر رہے تھے. تو میں ان کو کہنا چاہوں گی کہ پہلے جو پتری خط اور ادھر ادھر کے خطوں کی بات کرتے ہیں پہلے اپنی صفائیاں تو دے لیں کہ آپ لوگ کر کیا رہے ہیں اس وقت ملک کے ساتھ انٹرنیشنلی آپ کدھر کدھر جا رہے ہیں وہ چیزیں بھی کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہے. ایک بات چلے ہم تو برے تھے ہم تو غلط تھے الحمدللہ ہیں الحمدللہ اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے. اس میں میری بات کے اندر ان کو کہیں کہ مت بولیں بعد میں کہیں گے کہ کوئی بھاگ گیا یا کوئی چلا گیا تو میں بھاگنے والی نہیں ہوں آپ کا مقابلہ. عثمان بسرا صاحب آپ کی جانب ہم آئیں گے آپ مکمل کریں رومینا صاحبہ. جی دوسری بات یہ ہے کہ بات یہ کہ بات کرتے ہیں رول آف لا کی تو پی ٹی وی پہ حملہ کیس کہاں سے ڈھونڈ گئے ہیں. بات کرتے ہیں رول آف لا کی تو مجھے بتائیں آج تک جو سائیوال اور دوسرے پیچھے جو اتنے بڑے بڑے کیسز ہوئے ان کے جواب کہاں ہیں ان پہ کاروائی کیوں نہیں ہوئی. تیسری بات آ گئی آج یہ بات کرتے ہیں کہ ایک جو جرنل ہے وہ جھوٹ نہیں بول سکتے رانا ثناء اللہ صاحب جھوٹ بول سکتے ہیں. آپ یہاں پر ہی سوال دیکھ لیں کہ یہ اداروں کو اور پارلیمنٹ کو آمنے سامنے لا کر تو یہ جو ہے وہ لڑانے کی کوششوں میں لگے ہوئے ہیں کہ اپوزیشن جو ہے اس کو ہی سب ساری اپوزیشن ہی بری ہے. تو اپوزیشن میں سے جو لوگ آپ لے کے گئے کیا وہ دودھ کے دلے ہیں؟ اپوزیشن کا تو آپ ٹرائل بھی کرتے ہیں سارا کچھ کرتے ہیں آپ کیوں نہیں ہوتا؟ آپ کے لوگ جو پکڑے ہوئے ہیں وہ کیوں نہیں ابھی تک جن سے ان کے کسی کا حساب ہوتا؟ تو اس لیے اس قسم کے دعوے کرنا سوچتے ہیں. پرائم منسٹر تو وہ پرائم منسٹر ہے جس کو سوئے ہوئے کو اٹھتے ہیں تو پتا چلتا ہے ٹی وی پہ کیوں ہو مجھے پتا چلا بیگم نے کہا کہ آپ وزیر اعظم ہیں. اس لیے یہ ساری گیدڑ بکیاں ہمیں نہ دیں جو کام ہے وہ کرے اور میں عدالت کا جو فیصلہ ہے اس کے اوپر نہ میں کوئی کمنٹ کر سکتی ہوں کیونکہ وہ میرے اس میں نہیں ہے. لیکن ایک بات میں ضرور کہوں گی کہ سیاسی انتقام کا نشانہ بنایا گیا کام بنایا گیا ہے اور آج بھی بنایا جا رہا ہے. آپ دیکھیں کہ بہت سارے ایسے ہمارے جو اپوزیشن لیڈرز ہیں ان کو پکڑا جاتا ہے اور کس کیس میں سے بعد میں چھوڑ کیوں دیتے ہیں؟ چوری تو یہ بات پہلے آپ چور 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 آپ ہمیں چور کہہ رہے ہیں. آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ کے وہ لوگ کون ہیں جو بڑی بڑی ہیلپیں کرتے ہیں کہاں کہاں سے جن کے مالی اور پتہ نہیں خنساموں کے اکاؤنٹ میں سے بھی پیسے نکلتے ہیں؟ تو اپنی باتیں بھی یاد رکھیں. ہم نے تو مانا کہ ہم برے ہیں آپ تو بتائیں آپ نے کیا کیا ہے ڈیڑھ سال میں ملک کا گڑا گرد کر دیا. ہم رسپانس لیں گے حکومت کا. آپ کا پرسپیکٹو آ گیا رومینا صاحبہ. ہم بریک پر جائیں گے ایک شارٹ بریک لیں گے. بریک سے واپس آ کے ہم حکومت کا پرسپیکٹو سامنے رکھیں گے. ناظرین اسٹے ود اس ول بی رائٹ بیک آفٹر شارٹ بریک. ویلکم بیک ناظرین. ہم اس وقت بات کر رہے ہیں کہ دیکھا یہ جا رہا ہے کہ سیاسی رہنماؤں کی پہلے گرفتاریاں کی جاتی ہیں اور گرفتاریوں کے وقت دعوے بھی سامنے آتے ہیں اور پھر اب آج کل جیسا کہ شہریار آفریدی صاحب نے بھی کہا کہ ضمانتوں کا موسم ہے. آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ رانا ثناء اللہ صاحب جو ہیں وہ کیمپ جیل سے رہا ہوتے ہیں, مفتا اسماعیل صاحب جو ہیں وہ اڈیالہ جیل سے رہا ہوتے ہیں. تو اب اس قسم کی گرفتاریاں اور پھر جب ضمانتیں ہوتی ہیں تو کیا یہ کہا جا سکتا ہے کہ ان سے جو ہمارے ادارے ہیں چاہے وہ نیب ہو چاہے وہ اے این ایف ہو چاہے وہ ایف آئی اے ہو ان کی ریپوٹیشن جو ہے وہ سٹیک پر آتی ہے وہ جیپرڈائز ہوتی ہے؟ کیونکہ ملزم پکڑنے کے بعد یہ تمام ادارے آخر کیوں ناکام ہو جاتے ہیں ان کے خلاف کیس کی تفتیش یا پروسیکیوشن کو جو ہے ٹھوس بنانے میں اور حقائق جو ہے وہ سامنے پوری طرح سے کیوں نہیں آ پاتے؟ ہم رسپانس لیں گے حکومت کا. بٹ بیفور ہم عثمان بسرا صاحب آپ کو موقع دیں ہم پہلے سنوا دیں کہ آج فردوس عاشق عوان صاحبہ کی جانب سے کیا کہا گیا ہے. Let's listen to her first and then we will get back to you. مختلف چینلز پہ وہ چل بھی رہے ہیں کہ حکومت نے چیف آف آرمی اسٹاف کے کیس کو جو سپریم کورٹ نے فیصلہ دیا تھا اس میں ریویو پٹیشن داخل کر دی ہے اور یہ ریویو پٹیشن جو ہے یہ فیصلے کے اندر چونکہ ہماری لیگل ٹیم نے تھارولی کمپریہنسیولی باریک بینی سے اس فیصلے کے تمام پہلوؤں کا جائزہ لیا
और उसके बाद जो है इस नतीजे पे पहुंचे हैं कि फैसले के अंदर बहुत सारे कानूनी गैप्स हैं, फ्लॉज हैं, और लीगल और कॉन्स्टिट्यूशनल नकायस जो उस फैसले में सामने आए हैं विद ड्यू रिस्पेक्ट ऑफ दी जुडिशरी, तो हुकूमत पाकिस्तान ने जी उस्मान बसरा साहब, आज हुकूमत ने आर्मी चीफ की जो मुद्दत मुलाजमत है उसमें एक्सटेंशन के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट से भी रजू कर लिया है, रिव्यू पिटीशन जो है वो फाइल की गई है, तो क्या आपको लग रहा है कि हुकूमत को ऑलरेडी ये अंदाजा हो गया है कि वो पार्लियामेंट में ऑपोजिशन को इस मामले पर साथ साथ नहीं मिला पाएंगे और लेजिस्लेशन नामुमकिन है, उनके लिए पार्लियामेंट में किसी किस्म के अमेंडमेंट करना वो नामुमकिन नजर आया तो अदालत को रजू किया गया, और प्रीवियस रिस्पॉन्स भी कर दीजिएगा क्विकली प्लीज। अच्छा नीलम, पहले तो मैं जरा जो इससे पहले हम गुफ्तगू की है पार्टिसिपेंट ने उसके ऊपर बात करना चाहूँगा। देखिए, अगर अदालत ने एक ऑब्जर्वेशन दी है कि पाकिस्तान के अंदर पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन जो है वो एविडेंट तो है ना जी, इससे कौन इनकार कर रहा है? आप बताइए कि बेनजीर भुट्टो के ऊपर जो पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन के केस बनाए वो किसने बनाए, किसने रिवाज शुरू किया, किसने 13 साल, जो आज पीपल्स पार्टी बार बार कहती है हम 13 साल जरदारी साहब जेल के अंदर रहे, उनकी जुबान काटी, किसने काटी, किस कौन लेके गया, किसने सैफुररहमान को इस्तेमाल किया? जब इमरान खान अपने कंटेनर में मौजूद थे और कुछ लोग जो अपना तारुल कादरी साहब की पार्टी के पीटीवी में चले गए, किसने पॉलिटिकल वेंडेटा क्रिएट किया और इमरान खान के ऊपर 780 का केस बनाया जबकि वो कंटेनर में मौजूद थे, कोई फुटेज नहीं थी हमारे सामने है, पीपल्स पार्टी की जानिब से एफएसएफ भी बनाई गई थी जी। अच्छा, मैं इसमें नीलम सुनिए, ये तो छोड़ दीजिए, इमरान खान की साबका अहलिया जमामा के ऊपर टाइल स्मगलिंग का केस किसने बनाया था? ये पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन इस मुल्क का हिस्सा रही है अपने अपनों को दबाने के लिए, लेकिन आप मुझे बताइए कि हम जो 15 महीनों में आए हैं क्या हमने किसी की पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन की है? जवाब है बिल्कुल नहीं की है। हम कर सकते थे जो निजाम चल रहा है उसके अंदर, लेकिन कोई एक चीज भी, इमरान खान जिसका नाम है वो इस चीजों से ऊपर के आदमी है, वो पॉलिटिकल वेंडेटा पे बिलीव नहीं रखते हैं। हम स्पोक्स पर्सन की मीटिंग के अंदर भी प्राइम मिनिस्टर हमेशा कहते हैं कि आपने अपने आपने जो मर्जी करें, मेरी जात पे हमला करें, मेरे खानदान पे हमला करें, आपने बिलो द बेल्ट उनसे गुफ्तगू नहीं करनी और उस लेवल पे नहीं जाना। ये इमरान खान है, वो इसके साथ क्या पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन करेगा? आप मुझे बताइए, एक सवाल इनसे पूछा कि बताएं हुजूर के जो आपकी रहन सहन की तर्ज जिंदगी है उससे आपके वसाइल मुवासलत नहीं करते, हमें सिंपल मनी ट्रेल दे दें। आज 15 महीने 16 महीने की हमारी हुकूमत और 1.5 साल की इनकी अपनी हुकूमत, एक भी मनी ट्रेल ये दे नहीं सके और कहते हैं कि ये कोई इनकी पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन कर रहा है। सारे केसेस इनकी अपनी हुकूमत के अंदर इनके ऊपर बने हैं, तब कौन पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन कर रहा था? मैं क्या ये कहूं कि खाकान अब्बासी ने पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन की है, नवाज शरीफ के ऊपर केस बनाए? इसका जवाब तो फिर ये है ना जी। लेकिन देखिए, हर चीज के अंदर पॉलिटिक्स करना, मैं अपनी बहन रुमीना से कहूंगा, चलिए इससे भी आगे की मिसाल सुन लीजिए, रुमीना खुल खुला के रोजाना टेलीविजन के ऊपर मेरे साथ भी बारहा प्रोग्राम के अंदर प्राइम मिनिस्टर पे, हुकूमत पे बेलाग तनकीद करती हैं। इनके ऊपर हेरोइन किसी ने क्यों नहीं डाल दी? ANF इनके ऊपर हेरोइन क्यों नहीं डाली? क्यों NAB इनकी तफ्तीश क्यों नहीं करता? क्योंकि मैं रुमीना को जानता हूं। पर्सपेक्टिव ले लूं, हमारा हमारे शो का वक्त खत्म हो रहा है, हमें टॉपिक पर भी आना है। जिस लोगों ने जिन लोगों ने लूट मार की है उनसे सवाल होगा, ये पॉलिटिकल जो है उसकी छतरी के पीछे नहीं छुप सकते। रुमीना खुर्शीद आलम साहिबा, ये इस हिस्ट्री को तो आप डिनाई नहीं कर सकते, जो हमारा अनफॉर्चुनेटली जो ये पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन का जो एक कल्चर है, इसको तो डिनाई नहीं किया जा सकता, क्या कहिएगा? विक्टिमाइजेशन की जहाँ पे अगर बात हो रही है तो उसके बाद आप क्या होगा कि मिसाके जमहूरियत भी आया और चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी आने के बाद बहुत सारी चीजें चेंज हुई। हर एक ने माना कि हमने गलतियां की, लेकिन मेरे भाई बसरा साहब यहाँ पे गलत कह गए हैं कि पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन नहीं हो रही, पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन हो रही है। अगर नहीं हो रही तो मुझे बताएं सिर्फ हुकूमत ही जो है वो क्यों बची हुई है, उसके लोग वहां से लोगों का एहतसाब क्यों नहीं होता? हमसे तो आप मनी ट्रेल लेते हैं दादा पर दादाओं की, हमारी लीडरशिप से और सब से, तो या तो लीमाबाजी की मनी ट्रेल नहीं निकलती। दूसरी बात ये है कि बात आप ये कह रहे हैं कि दूसरों पे सब पे केसेस क्यों नहीं बनते, मेरे ख्याल में अब इन्होंने कह दिया तो शायद उनकी नजर पड़ जाए, वो कहें कि हम बना ही लेते हैं केस। नहीं रुमीना, आपसे मुझे इस बात की तवक्को नहीं थी, वैसे आपसे तवक्को नहीं थी इस बात की, मुझे आपने खुद ही कहा है, आपने खुद ही कहा हम यहाँ पर मैं तो इतनी सी बात कह रही हूँ
हम यहाँ पर जनरल रिटायर्ड मंशा साहब आपकी जानिब आएंगे, हमें अगले टॉपिक पर भी आना है जी। एक छोटा सा पॉइंट आप मुकम्मल जल्दी करिएगा रुमीना साहिबा। पार्लियामेंट पार्लियामेंट के अंदर बात इन्होंने की कि पार्लियामेंट, आपने बात की कि पार्लियामेंट के साथ जा नहीं सकते या बैठ नहीं सकते, इन्होंने बात ही नहीं की। आज दिन तक ये बैठने के लिए कभी तैयार ही नहीं हुए। ऑपोजिशन की तमाम जमातें जो उनकी हैं उन्होंने हमेशा इनका साथ देने की बात की है, किसी भी मामले पे जहाँ पर मुल्क की सालियत और बका की या किसी भी बात की लेकिन ये इंतहाई अनफॉर्चुनेट है कि हमारी हुकूमत और ऑपोजिशन में एक वर्किंग रिलेशनशिप मौजूद नहीं है पार्लियामेंट में। इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट। चोरों को माफ कर दें, वर्किंग रिलेशनशिप अभी बन जाएगा, दाखों को छोड़ दें, अभी वर्किंग रिलेशनशिप बन जाएगा, अभी बन जाएगा, क्लीमुला क्लीमुला शुरू कर दें। उस्मान साहब आपका पर्सपेक्टिव आ गया। जनरल रिटायर्ड मंशा साहब, ये जो हमारे सामने रिव्यू पटिशन आज जो है फाइल की गई है गवर्नमेंट की जानिब से आर्मी चीफ की सर्विस एक्सटेंशन के मामले पर, अब इस दरख्वास्त में जो मौकफ अपनाया गया है उसमें कहा गया है कि अदालत ने कई आईनी निकात का जायजा नहीं लिया और सुप्रीम कोर्ट माजी में जो एडिशनल और एडहॉक जजेस हैं उनको एक्सटेंशन देती रही है और अदालत ने जजेस तौसी केस के फैसलों को भी मद्देनजर नहीं रखा। तो ये आज की इस रिव्यू पिटीशन को किस तरह से आप देख रहे हैं? कि मैं इसको ऐसे देखता हूं, जो आपने पहले जिक्र किया आपने इसको प्रीएम्बल में कि ये एक फोरगॉन कंक्लूजन है कि गवर्नमेंट जो है वो असेंबली में लेजिस्लेट नहीं कर सकती, तो मैं इसे इत्तफाक नहीं करता। मैं इसको यूं देखता हूं, क्योंकि ये जो खोसा साहब का डिसीजन था वो थोड़ा सा एक रेटिक डिसीजन था। एक आम पब्लिक में आम लोग भी ये समझ रहे थे कि वो ज़रूरत से ज़्यादा उन्होंने जुडिशल एक्टिविज़म का एक डेमोंस्ट्रेशन थी। तो गवर्नमेंट चाहती है कि जो जुडिशरी ने गलत किया वो उसको जुडिशरी ही सही करे, तो मैं समझता हूँ ये बिल्कुल ठीक अप्रोच है कि रिव्यू के लिए गए हैं, उसमें बहुत सारी गलतियां हैं। एक आम आदमी को भी नज़र आती हैं कि सू मोटो का केस ही नहीं बनता था, एक कन्वेंशन है और एक चीफ एग्जीक्यूटिव का वक्त बिल्कुल ख़त्म हो गया अनफॉर्चुनेटली। बहुत बहुत शुक्रिया उस्मान बसरा साहब आपका, जनरल रिटायर्ड मंशा साहब और रुमीना खुशालम साहिबा आपका हमें ज्वाइन करने के लिए। नाज़रीन, इस फैसले में जो एक और बात सामने आई है इस रिव्यू पटिशन में, जो एक और बात सामने आई है उसमें ये भी कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट ने एग्जीक्यूटिव के जो अख्तियारात हैं उनको कम कर दिया है और ये भी लिखा गया है कि आर्मी चीफ की मुद्दत का तायुन वज़ीर आज़म का अख्तियार है। कानून में आर्मी चीफ की मुद्दत ना होने का मकसद है कि वज़ीर आज़म जब चाहे रखे उन्हें और जब चाहे हटा दे। तो अब ये मामला आगे किस तरफ करवट बैठेगा, हम इस पर अपडेट रखेंगे, आप लोगों को भी इन्फॉर्म रखेंगे। आज के लिए इतना ही। सी यू ऑल टुमारो नाइट। अंटिल देन अपना और अपने पाकिस्तान का बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज एंड गुड नाइट।